सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सदर क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान मैनुअल नवाब मानी एडवोकेट ने कहा है कि मुल्क में सियासी और आईनी बहरान दिन ब दिन शिदत इख्तियार कर रहा है, जिसकी मनफी असरात मुल्क की मुआशरत पर पड़ रहे हैं। मुल्क की मुआशरत पहले ही से इंतहाई कमज़ोर है और मौजूदा सियासी हालात उसे मजीद कमज़ोर कर रही हैं, जो कि पूरी कौम का मुश्तरक नुकसान है। सियासी जमातों को मौजूदा मुल्की हालात का अदारक करते हुए सियासी मफादात से कतई नज़र सियासत के मफादात को मद्देनजर रखते हुए दानिशमंदाना फैसले करने की ज़रूरत है। मौजूदा सियासी और आईनी बहरान का बेहतरीन हल ये है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन मुनक़द करवा दिए जाएँ, ताकि वाज़ेह और मजबूत मैंडेट लेने वाले लोगों के हाथ में मुल्क की क़यादत सौंपी जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुल्क में हिजान की कैफियत और रुपये की कदर में कमी पर अवाम शदीद तशवीश में मुबतला है। अगर सियासतदानों ने मौजूदा नासुक हालात का अदराक न किया तो हमारी आने वाली नस्लें उन्हें मुआफ़ नहीं करेंगी।